ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ड्राइंग नहीं है। और इसके फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .xls या .xlsx होती है। क्या एक्सटेंशन होती है? .xls हो सकती है या .xlsx, ये दोनों हो सकता है इसके फाइल का एक्सटेंशन। और ये किसके फाइल का एक्सटेंशन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन है, हर फाइल का अपना अलग एक्सटेंशन है। जैसे पाइथन पढ़ रहे थे तो पाइथन का क्या था? .py। ठीक है, सी पढ़ोगे तो .c, और C++ पढ़ोगे तो क्या होगा? .cpp। कॉटलिन पढ़ोगे तो .kt। अगर आप एमएस वर्ड पढ़ोगे तो .doc या .docx। ऐसे ही एक्सेल में क्या होता है? .xls या .xlsx, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये अर्लियर वर्जन के लिए, जो नया वर्जन आया है उसके लिए, पुराने वर्जन में .xls ही होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये एक्सेल में देखो, ये वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल ऊपर से नीचे आ रहे हो, ये पूरा दिख रहा है, एक पूरा ये वर्टिकल दिख रहा है आपको, इसे कॉलम कहते हैं। अब ये भी एक कॉलम है, देखो यहाँ पर एक डिफरेंट कलर, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, तो ये सब इसको क्या कहेंगे? इसको कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम्स हैं ये। और बाकी देखो ये क्या है, अब ध्यान देना जरा, ये क्या है यहाँ पे देखो, ये पूरा 1, 2, 3, 4, ये क्या है? रो है। क्या है? रो। तो रो और कॉलम्स के मिलने से क्या बनता है? स्प्रेडशीट बनता है। देखो यहां पर ये देखो, ये चीज ध्यान दो, ये ऊपर से लाइन आ रही है तो ये जो है नीचे यहां पर कट रही है। ठीक है, यहां से जो लाइन जा रही है, यानी रो जो ये है, ये यहां पर एक दूसरे को काट रहा है, और जहां पर ये काटता है तो चार कोनों पे ये कट होगा। यहां पे एक बार कट हुआ, फिर यहां पे एक बार कट हुआ, फिर यहां पे एक बार कट हुआ, फिर यहां पर एक बार कट हुआ, चारों कोनों पे कट होगा तो एक सेल बनेगा। क्या बनेगा? सेल। तो क्या कहेंगे? सेल किसे कहेंगे? तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। यानी सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटेंगे तो उससे सेल बनती है। चार कोनों पे एक दूसरे को काटते हैं तो उससे क्या बनता है? सेल बनता है। ठीक है ना, अब ये एक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, जिसमें रो भी हो और कॉलम भी हो। तो ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया रो, दोनों चीजें हैं इसमें। और आप एमएस वर्ड की बात करें तो देखिए, ये वर्ड है आपका एमएस वर्ड है, तो अगर मैं एमएस वर्ड को यहां से ओपन करता हूं तो इसमें आपको रो कॉलम नहीं मिलेगा। देखिए कहीं रो और कॉलम नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। जबकि आप एक्सेल में देखेंगे तो एक्सेल में आपको रो भी नजर आएगा और कॉलम भी नजर आएगा। इसी तरह का एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? ओपन ऑफिस कैल्क। तो देखो ये कैल्क है, ये एक्सेल से अलग जरूर है, लेकिन ये भी है स्प्रेडशीट ही। क्या है? स्प्रेडशीट ही है। क्यों? इसमें भी तो कॉलम है, ये कॉलम है और ये रो है, तो ये भी तो रो और कॉलम से मिलकर बना है, तो ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट है। इसी तरीके का आपको गूगल शीट में मिल जाता है। तो ये सारे ही क्या है? स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या समझना है? इसमें हमें ये समझना है कि इसमें सेल रेफरेंसेस और सेल एड्रेसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम देखने के बाद यहां पर देखो, यहां पर सेल एड्रेस की बात आती है, सेल रेफरेंस की। अगर सेल रेफरेंस नहीं सीखे तो ये सोच लेना कि तुमको कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना। तो सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस एक ही चीज होती है, सेल रेफरेंस। ठीक है, या सेल एड्रेस बोलो या सेल रेफरेंस बोलो, ये दोनों एक ही चीज होती है। तीन तरीके के सेल एड्रेस होते हैं। कितने तरीके के? तीन। पहला क्या होता है? पहला होता है रिलेटिव सेल एड्रेस। ठीक है, अब ये रिलेटिव क्या होता है इसको समझते हैं, उसके पहले ये देख लेते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है मिक्स्ड, MIXED। ठीक है, दूसरा है मिक्स्ड सेल एड्रेस, और तीसरा एक और बच गया है जिसका नाम है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तीसरा क्या है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो यहां तीसरा हो गया एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो ये तीन तरह के सेल एड्रेस हैं कुल मिलाकर। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक डेटा चाहिए। वो डेटा कहां से मिलेगा? मेरे पास वो डेटा पहले से पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं कि वो डेटा है क्या। ठीक है, तो अभी इसमें टोटल करना है तो टोटल इक्वल टू लगा के कर लेंगे। ये इक्वल टू, अब बताओ इसका सेल एड्रेस क्या है? देखो ये कहां लिखा है, कॉलम का नेम क्या है बताओ? तो कॉलम का नेम ऊपर क्या दिया है, और रो का नेम क्या है? तो B2 हो जाएगा ना। तो यहां पर अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो B2 आ जाएगा। तो B2 इज अ काइंड ऑफ, कौन सा सेल एड्रेस होगा B2? B2 में कहीं भी डॉलर नहीं लगा हुआ है। देखो जरा डॉलर कैसे लगता है, रुक जाओ जरा दिखा दे पहले डॉलर।
तो ये फोर नंबर अल्फा न्यूमेरिक की है, कीबोर्ड में ध्यान से देखो, फोर नंबर जो है अल्फा न्यूमेरिक की है, इसको कहते हैं डॉलर, फोर नंबर बटन पे होता है। तो डॉलर अगर लगा हुआ है चाहे रो के पहले या कॉलम के पहले, तो वो मिक्स्ड सेल एड्रेस हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने सेल एड्रेस बताया था ना, तो ये एक तो रिलेटिव हो गया, तो रिलेटिव में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, यानी किसी के भी पहले डॉलर नहीं लगा होता है। और मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों में से किसी एक के पहले डॉलर लगा होता है। अब बी क्या है, कॉलम है कि रो है, और रो क्या है, टू है, ठीक है, वन है रो, तो ये सब रोज हैं, लेकिन या तो रो या तो कॉलम दोनों में से किसी एक के पहले डॉलर लगा हो तो कौन सा सेल एड्रेस होगा, मिक्स्ड सेल एड्रेस होगा, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर अगर हम आते हैं तो यहां पर तो कहीं डॉलर लगा नहीं रहे हैं हम, इक्वल टू फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है एक्सेल में, इक्वल टू का निशान लगा करके। कोई भी आप स्प्रेडशीट बात कर लीजिए, मैंने आपको अलग अलग स्प्रेडशीट दिखाया, किसी भी स्प्रेडशीट में आप बात करिए तो फॉर्मूला इक्वल टू लगा के ही स्टार्ट होता है। और अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो ये बी टू आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का साइन ये है, एट नंबर अल्फा न्यूमेरिक की पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, सिक्स से, लेकिन ये सिक्स का सेल एड्रेस क्या है, सी टू, अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो सी टू आएगा और एंटर कर दो, तो देखो यहां पर ही आ गया है। लेकिन हम क्या चाहते हैं ना, इसका फॉर्मेट बना दिया जाए रुपीज वाला, तो रुपीज वाला फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, तो रुपीज वाला फॉर्मेट बनाने के लिए हमको यहां पर आना पड़ेगा। ये जो जनरल दिख रहा है ना होम टैब के अंदर, देखो अलग अलग टैब दिया, ये मेन्यू बार कहलाता है, क्या कहलाता है, मेन्यू बार। सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार है, ठीक है, ये क्या है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर उसके नीचे क्विक एक्सेस टूल बार, फिर ये मेन्यू बार है, क्या है, मेन्यू बार। तो इस मेन्यू बार के अंदर हमें होम मेन्यू पे जाकर के और यहां से जनरल ऑप्शन पे जाकर के इसको क्या बना देना है, करेंसी। तो जैसे ही करेंसी बनाएंगे तो ये रुपी साइन आ जाएगा। अब यहां पर भी आएंगे तो इसको भी हम करेंसी ही बनाएंगे, तो यहां से जाकर के इसको भी बना देते हैं करेंसी, ठीक है, ये करेंसी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो इनेबल फिल हैंडल एक्सेल के अंदर होता है, तो यहां पर डबल क्लिक करोगे तो सबका आ जाएगा अपने आप। देखो ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ये विड्थ जो है हमें चेंज करनी है। तो विड्थ को चेंज करने के लिए दो तरीके, एक तो यहां पर जाओगे तो ये ऐसा वाला एरो बनेगा, डबल हेडेड एरो, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में, और ऊपर नीचे वाले में कहीं भी हेड नहीं बना हुआ है। तो जब ऐसा एरो बने तो माउस का लेफ्ट बटन दबा लो और लेफ्ट बटन दबा करके इसको इधर की तरफ यानी राइट साइड की तरफ ड्रैग कर दो, तो देखो ये कॉलम चौड़ा हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, शॉर्टकट की याद कर लो, बता दे रहे हैं कौन सा शॉर्टकट की है, अल्ट एक बार, फिर अल्ट प्रेस करके एच, फिर क्या प्रेस करना है, ओ, फिर क्या प्रेस करना है, आई। तो देखो ये हो गया रिसाइज, हो गया ना, तो ये रिसाइज हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर। अब कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, एक्सेल में और एमएस वर्ड में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एक्सटेंशन भी क्लियर हुआ। अच्छा, लिब्रा ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ओडीटी, और लिब्रा ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ओडीएस, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर आपको टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, देखिए यहां पर जरा, ये मैं कई बार बता भी चुका हूं, ए एम ओ यू एन टी, ये हो गया टैक्स अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट, अब देखिए ये अमाउंट का टी, एन और टी बाहर जा रहा है, तो इसको अगर रिसाइज करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि कर्सर इस पर ब्लिंक नहीं होना चाहिए, अगर ब्लिंक होगा तो आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहां पे ऐसे रखना है और फिर वही शॉर्टकट की, एक बार अल्ट, फिर एच, फिर ओ, फिर आई। तो देखिए ये रिसाइज हो गया, रिसाइज होने के बाद इसका टैक्स निकालना है हमें, तो इक्वल टू लगाएंगे और टोटल को सेलेक्ट करेंगे, इसी टोटल में हमारा टैक्स छिपा होगा। टोटल का सेल एड्रेस बताओ क्या है, डी टू, डी टू है, ठीक है, अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो ये डी कॉलम है और टू क्या है, रो है, तो यहां पे डी टू आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टैक्स से, क्योंकि ये परसेंटेज में लिखा हुआ, जरा ध्यान दो इसका सेल एड्रेस क्या है, आई सिक्स, तो अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो आई सिक्स आएगा। अच्छा ये बताओ ये डी टू और आई सिक्स किस तरह का सेल एड्रेस है, रिलेटिव है कि मिक्स्ड है कि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट के बारे में तो अभी हमने बताया नहीं, तो रिलेटिव या मिक्स्ड में से कोई एक होगा ये, तो कौन सा सेल एड्रेस है ये, अगर हम एंटर करते हैं तो यहां ये आ गया, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो नीचे का भी आ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर देखो अगर मैं ड्रैग करता हूं तो ये जीरो बन जाता है, क्योंकि रिलेटिव ये क्या है, ये रिलेटिव सेल एड्रेस है। F2 करोगे तो ये एडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, तो ये रिलेटिव सेल एड्रेस है, क्या है, रिलेटिव सेल एड्रेस। क्यों रिलेटिव है, क्योंकि इसमें कहीं भी डॉलर नजर आ रहा है, सेल एड्रेस जरा देखो इसमें, यहां पर कहीं भी डॉलर है, डॉलर का साइन ही नहीं है, डॉलर नहीं है तो ना तो ये रिलेटिव हो सकता है ना तो ये एब्सोल्यूट हो सकता है, याद रखिएगा। अगर डॉलर लगा होगा तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो एब्सोल्यूट या तो
मिक्स्ड, ठीक है। लेकिन ये तो रिलेटिव सेल एड्रेस ही है क्योंकि इसमें कहीं भी डॉलर लगा ही नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई ये क्या है, रिलेटिव है, ठीक है। अब रिलेटिव है तो रिलेटिव का एग्जांपल यहाँ पे आप D2 रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, D2 रख दीजिए, I6 रख दीजिए, I5 रख दीजिए, कुछ भी हो सकता है लेकिन डॉलर नहीं लगा रहना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आते हैं तो ये सीट वन पर, तो रिलेटिव सेल एड्रेस का क्या हो जाएगा, I2, I6 जो भी आप देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहां पर क्या है एक बार चेक कर लीजिए, ये कौन सा है, I6 है ना, आप I6 दे दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा ये I6 है, तो अगर यहां पर आते हैं तो यहां पे हम I6 लिख देते हैं, तो I6 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डॉलर का साइन इसमें है नहीं तो ये रिलेटिव सेल एड्रेस हो ही जाएगा। लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्स्ड सेल एड्रेस, जब भी हम मिक्स्ड सेल एड्रेस के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपको रो और कॉलम की पहचान बताई स्टार्टिंग में, रो और कॉलम को पहचानना बड़ा जरूरी। तो अगर हम बात करें आई की और सिक्स की, तो इसमें से कौन सा रो है कौन सा कॉलम है बताइए, में कौन सा रो है और कौन सा कॉलम, वेरी गुड, हाँ आई कॉलम है और सिक्स रो है। तो देखिए अगर इसमें सिक्स फिक्स हो जाए, सिक्स को अगर फिक्स करना है तो क्या करेंगे, सिक्स के पहले डॉलर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिक्स को नहीं फिक्स करना है, आई को फिक्स करना है, तो आई के पहले डॉलर लगा दीजिए, तो दोनों में से किसी एक के पहले ही डॉलर लगेगा, तभी ये क्या बनेगा, मिक्स्ड सेल एड्रेस बनेगा। मिक्स्ड में दोनों में से किसी एक के पहले डॉलर होता है, ठीक है। यानी ये तो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कब बनेगा, एब्सोल्यूट के लिए जरूरी है कि दोनों फिक्स हो, यानी आई के पहले भी डॉलर और आई के बाद, यानी रो के पहले भी डॉलर, यानी आई कॉलम है और सिक्स जो है वो रो है, तो रो भी फिक्स हुआ और कॉलम भी फिक्स हुआ, दोनों फिक्स हो गया। तो ऐसे में ये इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर देखिए ये वाला है, इसको मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं, ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है आपका, और ये आपका कौन सा सेल एड्रेस है, ये आपका मिक्स्ड सेल एड्रेस है, ठीक है। इसको एक डिफरेंट कलर से और रिलेटिव को एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं, आप देखिए इसको, ठीक है, यहां पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा सेल एड्रेस, रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट, तीनों समझ में आया कि नहीं। अच्छा, रिलेटिव की खासियत ये है ना कि अगर यहां पर आपको टू का टेबल लिखना है, तो आप अगर टू लिखते हैं और उसके बाद आप सीक्वेंस ये बता देते हैं कि टू के टेबल में नेक्स्ट क्या आएगा, फोर आएगा, तो आप यहां बता दीजिए फोर। तो जरा देखिए इसका सेल एड्रेस क्या है, टू का E2 है, ठीक है, और फोर का सेल एड्रेस क्या है, E3 है, E3 है ना, तो E2 के बाद E3। अब यहां पर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, नीचे आपको इनेबल फिल हैंडल दिखेगा, ये चौकोर सा बटन जो दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये चौकोर सा बटन यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, तो यहां पर जब जाइएगा तो ये प्लस का साइन बनेगा, पकड़ के इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा के खींच दीजिए, देखिए दो का टेबल प्रिंट हो जाएगा, पूरा हो गया प्रिंट। लेकिन मान लीजिए आपको 15 का टेबल लिखना है, 15 का, तब क्या करिएगा, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखिएगा 15 और 15 टू जा कितना होता है 30 होता है, तो आपने ये बता दिया ना। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने लिखा तो ये किस साइड गया है, जरा ध्यान दीजिए ये किस साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है ना, ये अभी मैंने यहाँ पे रखा है तो ये लेफ्ट साइड है, लेकिन जैसे ही एंटर करूंगा तो किधर चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं एंटर करता हूं तो ये राइट, नंबर हमेशा राइट अलाइंड होता है, राइट की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपका नाम है प्रियांशु, तो हम अगर नाम लिख दें यहां पर PRIYAN, यहां पर देखिए PRIYANSHU, तो ये किधर की साइड रहेगा, ये हमेशा लेफ्ट के साइड ही रहेगा। देखिए इसको अगर मैं चौड़ा करता हूं तो देखिए ये किधर के साइड है, लेफ्ट के साइड है, लेकिन नंबर किधर के साइड है, राइट के साइड है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा लेफ्ट जाता है, अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो लेफ्ट जाएगा हमेशा, और नंबर लिखेंगे तो हमेशा किधर जाएगा, राइट जाएगा। फॉर्मूले को एडिट करने की शॉर्टकट की F2 होती है, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। अब ये 15 है और ये 30 कर दिया हमने, अभी दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करवा दीजिए, देखिए 15 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहां पर लिखते हैं संडे, SUN, संडे SUN से हो जाएगा। अब यहां पर अगर इसको ड्रैग करवा देते हैं नीचे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब अपने आप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहां पर लिखते हैं जनवरी, JAN, तो यहाँ पे जनवरी लिख दिया आपने, अगर इसको ड्रैग करवा देते हैं तो बाकी सब अपने आप प्रिंट हो जाएगा। ये खासियत होती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, जबकि आप एमएस वर्ड पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे JAN लिख देंगे तो आपके पास कोई ऐसा मैटर बचेगा कि आप पकड़ के इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए तो ये नीचे भी जो है ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसीलिए इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है। अच्छा ये भी बता देता हूं कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, एक्सेल। एक्सेल का 80% कोडिंग सी प्रोग्रामिंग के बेस पे किया गया है,
सी सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस सी से डेरिवेट होकर बना था, और ये सी प्रोग्रामिंग पर कोडिंग करके ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर बनाया गया है। याद रखिएगा कौन से लैंग्वेज पे बना है, सी प्रोग्रामिंग पे। सी प्रोग्रामिंग को बनाने वाले थे डेनिस रिची, सी प्लस प्लस को बनाया था बीजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने, और पाइथन को किसने बनाया था, गाइडो वॉन रॉसम ने बनाया था, और जावा को किसने बनाया था, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था, जावास्क्रिप्ट को किसने बनाया था, ब्रेंडन ईच ने बनाया था। तो ये सारे लैंग्वेजेस जिन्होंने बनाए थे ये लोग काबिले तारीफ हैं, क्योंकि इस पर आधारित हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे बात करें गूगल की, तो गूगल किस पे बना है, पाइथन पे बना है, मैक्सिमम कोडिंग गूगल की पाइथन के ऊपर हुई है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इनकी लाइब्रेरीज के बारे में डीपली जिनको जानकारियां होंगी वो अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना।